हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं एम क्लास यूट्यूब चैनल के और एक बेहतर वीडियो के अंदर। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे सेलों के संयोजन के बारे में। सेलों का संयोजन क्या है, सेलों का संयोजन कितने प्रकार का होता है, और साथ ही साथ इसी वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे श्रेणी क्रम संयोजन को कंप्लीट। सेलों का संयोजन मोस्ट इंपोर्टेंट हेडिंग है बोर्ड एग्जाम में। यहाँ से डेरिवेशन टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, जो 3 नंबर में या फिर 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। यदि चैनल पहली बार विजिट किए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास भाई शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि जैक बोर्ड के लिए स्पेशल ये चैनल है जहां पर हर चैप्टर वाइज कंप्लीट आपको सिलेबस करवाया जा रहा है। ऐसा आपको कहीं पर देखने को नहीं मिलेगा। तो आप हमारे साथ बने रहे, धैर्य रखें, एग्जाम 2025 को फोड़ना है और आप सभी का जो ड्रीम है वो होना चाहिए 95+ का। 90+5 आपका मार्क्स का टारगेट होना चाहिए फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर। रेगुलर क्लासेस चल रही है, केमिस्ट्री जो क्लास है वो रवि सर आप कंटिन्यू ले रहे हैं, तो आप सभी बच्चे क्लासों को अच्छे से लीजिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही बनता है कि सेलों का जो संयोजन है वो क्यों किया जाता है, क्या आवश्यकता है कि हम सेलों का संयोजन करें। समझना ध्यान से। देखिए, मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था कि फिजिक्स के अंदर हम 3 प्रकार का संयोजन पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे प्रतिरोधों का संयोजन, दूसरा हम पढ़ेंगे संधारित्रों का संयोजन, और तीसरा हम पढ़ेंगे सेलों का संयोजन। ऑलरेडी हम 2 प्रकार का संयोजन पढ़ चुके हैं। याद करो, प्रतिरोधों का संयोजन क्यों किया जाता है, वांछित मान का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए। संधारित्रों का संयोजन क्यों किया जाता है, वांछित मान की धारिता प्राप्त करने के लिए। अब बात करते हैं सेलों का संयोजन क्यों किया जाता है, सेल क्या यूज होते हैं, सेलों का यूज क्या है। इसे पिछले वाले लेक्चर में डीपली आपको सेलों के बारे में पढ़ाया है, सेलों के प्रकार डेफिनेशन वगैरह सब पढ़ाई है। सेलों का हम सेल यूज इसलिए करते हैं जिससे कि हमें क्या मिल सके भाई, धारा मिल सके, विद्युत धारा हमें मिल सके, इसलिए हम सेलों का यूज करते हैं, पहली बात। अब हम पढ़ रहे हैं सेलों का हम संयोजन क्यों करते हैं। तो संयोजन इसलिए किया जाता है कि हमें जितनी मान की धारा चाहिए उतने मान के हम धारिता प्राप्त कर सके, इसीलिए हम सेलों का संयोजन करते हैं। अर्थात मैंने लिख रखा है कि वांछित मान की धारा ज्ञात करने के लिए या फिर प्राप्त करने के लिए सेलों का संयोजन किया जाता है। तो ये तो आपका है सेलों का भाई संयोजन क्यों किया जाता है। आगे देखिएगा, अब आपके मन में क्वेश्चन बनता है कि सर सेलों का जो संयोजन होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो आप सभी याद रखिएगा, ये 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा हमारा होता है समांतर क्रम संयोजन। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में कि भाई श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। समझना ध्यान से। देखिए, आप सभी को पता होगा, कहीं पर आपको ऐसा प्रतीक चिन्ह नजर आ जाए तो ये प्रतीक चिन्ह है सेल का, इसको हम सेल पढ़ते हैं, राइट। इसका जो विद्युत वाहक बल है वो E होता है, आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, स्मॉल R होता है। अब मुझे यहाँ पर सेलों का संयोजन करना है, ठीक है, श्रेणी क्रम के अंदर। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 2 सेल लिए। पहला सेल है जिसका विद्युत वाहक बल E1 है और आंतरिक प्रतिरोध क्या है, R1 है। दूसरा सेल है उसका विद्युत वाहक बल E2 है और आंतरिक प्रतिरोध क्या है, R2 है। इन दोनों सेलों को मैंने क्या है भाई, श्रेणी क्रम में जोड़ा। कैसे जोड़ा बच्चों, जो पहले सेल का जो दूसरा सिरा है वो दूसरे सेल के पहले सिरे के साथ जोड़ दिया, और जो दूसरे सेल का जो दूसरा सिरा है, कोई अन्य यहां पर सेल रहा होगा और इसके आगे भी हम मान सकते हैं E3 E4 ऐसे, तो इस सेल का जो दूसरा सिरा है वो किसी अन्य यानी तीसरे सेल के पहले सिरे से जुड़ा होगा, राइट। और जो पहले सेल का जो पहला सिरा है और जो अंतिम सेल का जो दूसरा सिरा होगा वो हमने किससे कनेक्ट कर रखा है, एक बाह्य प्रतिरोध R से कनेक्ट कर रखा है जिसकी वोल्टता क्या है भाई, V है। सेल के सिरों पर उत्पन्न वोल्टेज क्या है, V1 है, और इसके पर वोल्टेज है भाई V2। इस बात को मैंने थ्योरी के अंदर भाई लिख रखा है, आप पढ़ सकते हो। सेलों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रथम सेल का दूसरा सिरा, प्रथम सेल का दूसरा सिरा दूसरे सेल के विपरीत ध्रुवता, विपरीत ध्रुवता का मतलब क्या है, देखो ध्यान से। जो पहला सेल है जो दूसरा सिला है वो नेगेटिव है,
और जो दूसरे सेल का जो पहला सिरा है वो क्या है भाई, पॉजिटिव है। तो ये दोनों क्या हो गए भाई, विपरीत ध्रुवता वाले क्या हो गए, सिरे हो जाएंगे। ठीक है, देखिएगा आगे, वाले सिरे से जुड़ा हो तथा दूसरे सेल का दूसरा सिरा अन्य सेल के विपरीत ध्रुवता वाले सिरे से जुड़ा हो, और प्रथम सेल का प्रथम सिरा वे अंतिम सेल का दूसरा सिरा एक बाह्य प्रतिरोध आर से जुड़ा हो, सेलों का ऐसा संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। ये हमारी भाई डेफिनेशन हो जाएगी। आगे देखिएगा, अब बात करते हैं चित्र में हमने किस प्रकार इनको दिखाया है। देख सकते हो चित्र अनुसार दो सेल जिनके विद्युत वाहक बल क्रम से E1 वे E2 है तथा आंतरिक प्रतिरोध R1 वे R2 है, श्रेणी क्रम में क्या है भाई, संयोजित है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप सभी, हमने एक कॉन्सेप्ट पहले समझ रखा है, हालांकि मैंने इसको यहाँ पर भी लिख दिया है जिससे कि आप चीजों को याद कर सको। मैंने आपको सभी को बताया था जो श्रेणी क्रम संयोजन होता है उसके अंदर जो धारा होती है वो समान होती है, और विभव जो होता है वोल्टेज वो अलग अलग होता है। और वही हम बात करें समांतर क्रम संयोजन की, तो वहां पर जो धारा है वो अलग अलग होती है और विभवांतर समान होता है। इसी बात को मैंने लिख रखा है कि हम जानते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान समान होता है तथा विभवांतर अलग अलग होता है। विभवांतर क्या है, अलग अलग होता है। अब हमें देखिए यहां से कैलकुलेशन करना स्टार्ट करना है, और हमें क्या निकालनी है भाई, सेल की धारा निकालनी है। तो हम बात करेंगे सेल समीकरण से, यहां लिखेंगे अतः सेल समीकरण से। तो सेल समीकरण क्या होती है भाई, V बराबर E माइनस का IR। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा है, मैंने आपको पिछले वाला लेक्चर में पढ़ाया था कि जो ये कंडीशन है ये सेल की कौन सी कंडीशन है, डिस्चार्ज वाली, निरावेशित वाली, जब हमारा जो सेल हो क्या हो रहा हो भाई, डिस्चार्ज हो रहा हो। अब आप सभी को पता है आपने सेल को श्रेणी क्रम में जोड़ा है तो यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब हमारा जो सेल है वो डिस्चार्ज हो रहा है। तो इसीलिए हम यहाँ पर इस वाले समीकरण को सेल समीकरण के रूप में इस्तेमाल करेंगे, राइट। चलिएगा अब देखिएगा, इसको हम कह सकते हैं इक्वेशन नंबर, इसको हम 1 मान लेंगे, है ना। अब मैं बात करूंगा पहले सेल के लिए, पहले सेल के लिए सेल समीकरण, प्रथम सेल के लिए, पहले सेल के लिए बात करते हैं तो V1 विद्युत वाहक बल आपका हो जाएगा E1 माइनस बहने वाली धारा I है समान, और आंतरिक प्रतिरोध हो जाएगा R1। समीकरण नंबर हमारी हो जाएगी ये 2। आगे देखिएगा द्वितीय सेल के लिए बात करते हैं, द्वितीय सेल के लिए तो V2 बराबर A2 माइनस IR2। इक्वेशन नंबर हमारी हो जाएगी 3, राइट। अब देखिए, अब हम निकालना चाह रहे हैं बाह्य प्रतिरोध पर कुल विभव, तो लिखेंगे यहां पर अतः कुल विभव, तो विभव को फॉर्मूला हो जाएगा V बराबर में हम ऐड कर देंगे V1 प्लस में V2 को। आगे देखिएगा V बराबर, V1 कितना है E1 माइनस का IR1, V2 है E2 माइनस का IR2। चलिए यहां से ना हम V का मान और रख देते हैं, है ना। चलिए V का मान क्या है, V माइनस का IR। यहां पर आप लिखिए कि आपने मान कहां से रखे हैं, समीकरण 1, 2 तथा 3 से हमने मान यहां पर रख दिए हैं, राइट। चलिएगा इतना हो गया। अब देखिए, अब हम क्या है जो समीकरण है हम उसको I के बराबर लाएंगे, क्योंकि सेल से हम क्या प्राप्त करते हैं भाई, धारा, तो इसको हम I के बराबर करेंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले तो आप उन पद जो है हमारे उनको एक तरफ कर लीजिए जिनके अंदर आई आ रहा है। अब आप यहाँ पर गौर फरमाओगे आई कहाँ कहाँ पर आ रहा है, तो आप देखोगे एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, हम बाह्य प्रतिरोध पर भाई विभव निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ से आई आ रहा है,
आई आर आएगा भाई, आई आर आएगा, ये गलती मत कर देना। अतः बाह्य प्रतिरोध, ऐसे को बाह्य प्रतिरोध पर, कुल विभव निकाल रहे हैं बाह्य प्रतिरोध पर, राइट। ठीक है, तो यहां पर आई आर आएगा भाई, ओम के नियम से वी बराबर क्या होता है, आई आर। तो यहां से आप इस समीकरण नंबर एक को भाई हटा दीजिएगा, ठीक है, समीकरण दो व तीन से बात कीजिएगा, और यहां पर v बराबर क्या होता है, ओम के नियम से आई आर होता है, क्योंकि बाह्य प्रतिरोध की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिएगा। अब देखिए आई किस किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो इसको इधर लाओ, इसको इधर लाओ, पक्षांतर कर दो, तो आई आर प्लस आई स्मॉल आर वन प्लस आई स्मॉल आर टू बराबर ई वन प्लस में क्या हो जाएगा, ई टू हो जाएगा, राइट। अब देखिएगा ध्यान से, इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, तो आप कहोगे कि सर आई कॉमन आ सकता है, तो कॉमन लीजिएगा, क्या बचा, आर प्लस में आर वन प्लस में आर टू इक्वल टू में ई वन प्लस में ई टू हो जाएगा, राइट। अब देखिए यहां से हम आई का मान निकालेंगे, तो आई बराबर हो जाएगा ई वन प्लस में ई टू अपॉन में कैपिटल आर प्लस में स्मॉल आर वन प्लस में स्मॉल आर टू। जो ये हमारे पास निकल कर आई है, ये है धारा की समीकरण, ये है भाई धारा, धारा की समीकरण, कब, जब हमारे सेल कौन से क्रम में जुड़े हो, श्रेणी क्रम में जुड़े हो। अब देखिए यहां से हम कुछ कॉन्सेप्ट बनाते हैं जो एग्जाम में न्यूमेरिकल सोल्व करने में हमारी मदद करते हैं, या फिर हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखने को भाई मिलते हैं। देखिएगा, जो आप ध्यान दीजिए, जो ई वन प्लस ई टू, यदि तीन सेल जुड़े होते तो यहाँ पर ई थ्री आ जाता, चार सेल जुड़े होते तो ई फोर आ जाता, पांच जुड़े होते तो ई फाइव, छह जुड़े होते तो ई सिक्स, इस टाइप से ये सीरीज आपकी आगे बढ़ती। तो आप देखते हो जो हमारा ई है वह है विद्युत वाहक बल, तो ऐसे ये सीरीज आगे तक कंटिन्यू चलती, तो इसे हम कह सकते हैं तुल्य विद्युत वाहक बल, क्या कह देंगे, तुल्य, तुल्य विद्युत वाहक बल, और इसको हम व्यक्त करते हैं कैपिटल ई से, क्या हो जाएगा, ई वन प्लस में ई टू इस टाइप से, ई थ्री प्लस में डॉट डॉट प्लस में ई नोट, ऐसे ही आप ई एन सॉरी ऐसे आपका ये चलने वाला है। तो यहां पर आप देख सकते हो आपका जो विद्युत वाहक बल है, यहां पर एक सेकेंड वेट कीजिए, थोड़ा सा इंटरनेट प्रॉब्लम हो गया है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक हो जाएगा। चलिए चीजें ठीक हो चुकी हैं, चलिएगा, थोड़ा सा नेटवर्क कभी कभी भाई इशू आ जाता है, उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। चलिए अब देखिए, तुल्य विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक हम बल की बात कर रहे हैं, राइट। ई बराबर क्या होगा भाई, ई वन प्लस में ई टू प्लस में ई थ्री प्लस में डॉट डॉट प्लस में हमारा क्या हो जाएगा, ई एन हो जाएगा, ठीक है, देखिएगा। और ऐसे हम यहां से देखिए कैपिटल आर के बाद प्लस में जो है आर वन प्लस आर टू, यदि और भी हमारे सेल जुड़े होते तो आर थ्री आर फोर आर फाइव, इस प्रकार ये सीरीज आगे भाई चलती। तो हम यहां से कह सकते हैं तुल्य आंतरिक, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा भाई, आर बराबर में, देखिए इसको तुल्य विद्युत वाहक बल को हम ई नोट से व्यक्त करते हैं, और जो तुल्य आंतरिक प्रतिरोध इसको हम आर नोट से व्यक्त करते हैं, इस बात को मैं आप थोड़ा ध्यान में रख लीजिएगा, आर वन प्लस में आर टू प्लस में आर थ्री प्लस में डॉट डॉट प्लस में आर एन हमारा बन जाएगा। अब इसको हम इस फॉर्मूले में रखते हैं तो हमें एक फॉर्मूला और मिल जाएगा, आई बराबर में ई नोट अपॉन में कैपिटल आर प्लस में स्मॉल आर नोट, ये हमारा एक और फॉर्मूला बन गया। हालांकि फॉर्मूला कुछ विशेष नहीं है, इससे ही हमने इसको ड्रॉ किया है, ठीक है, आप किसी एक को याद रख लीजिएगा, दूसरा तो अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है।
जो हमारी ये समीकरण आई है इसको हम आई नेट कह सकते हैं, कुल धारा, ठीक है। तो ये समीकरण जो है हमारी, या फिर जो ये इक्वेशन हमारे पास आई है, तो ये क्या व्यक्त कर रही है, इसको नाम दे दीजिए थर्ड इक्वेशन। तो यहाँ लिख दीजिएगा आप समीकरण नंबर जो 3 है, समीकरण नंबर 3 सेलो के श्रेणी क्रम संयोजन की कुल धारा को प्रदर्शित करती है। चलिए इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये आपकी भाई फाइनल जो डेरिवेशन का आई नेट का जो है वो आपको फॉर्मूला मिल चुका है। अब इसी के अंदर कुछ हम महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो अगली हेडिंग है हमारी महत्वपूर्ण तथ्य, राइट। देखिएगा ध्यान से, हमें मान के चलते हैं कि माना यदि E1, E2, E3, E4 इसी टाइप के N मान के विद्युत वाहक बल जो है, और तथा आंतरिक प्रतिरोध जिनका है R1, R2 आपके श्रेणी क्रम में जुड़े हो, तो फिर तुल्य जो है आपका वो विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या आने वाला है, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, पहला पॉइंट क्या है, यदि एन सेल जिनके विद्युत वाहक बल E1, E2, E3, EN तथा आंतरिक प्रतिरोध R1, R2, R3, .. RN श्रेणी क्रम में जुड़े हो, श्रेणी क्रम में जुड़े हो तो तुल्य, ऐसे करते इसको नीचे ही लिख लेते हैं ना, यहां ध्यान दीजिएगा, तुल्य विद्युत वाहक बल क्या होगा, तो इसको हम कहेंगे ई नोट। सभी विद्युत वाहक बल को हम क्या कर देंगे भाई, ऐड कर देंगे, सीधी सी बात है, डॉट डॉट प्लस में EN। और वही बात करते हैं आंतरिक प्रतिरोध की, तो यहां देखिएगा तुल्य आंतरिक प्रतिरोध की हम बात करते हैं, तो आर नोट बराबर में क्या होगा, R1 प्लस में R2 प्लस में R3 प्लस में डॉट डॉट प्लस में RN हमारा हो जाएगा। ये है हमारा पहला पॉइंट। अब बात करते हैं हम सेकंड पॉइंट की, देखिएगा ध्यान से, हम मान के चलते हैं यदि E मान के N विद्युत वाहक बल और R मान के N आंतरिक प्रतिरोध कौन से क्रम में जुड़े हो, श्रेणी क्रम में जुड़े हो, तो देखिएगा यदि N मान के N एक सेकेंड यदि E मान के ऐसे लिखिए, E मान के यदि E मान के N विद्युत वाहक बल, सबका E है भाई वैल्यू है ना, N विद्युत वाहक बल तथा R मान के N तथा आर मान के एन आंतरिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हो तो देखिएगा, अब देखिए जो आंतरिक प्रतिरोध है वो आर है आपका, और जो विद्युत वाहक बल है वो ई है। अब देखिए जो हम निकाल रहे हैं तुल्य विद्युत वाहक बल, सबका जो वैल्यू है ई है, ई प्लस में ई प्लस में ई डॉट डॉट प्लस में ई। अब यहां से आप देखेंगे ई कितनी बार है भाई, एन बार, तो ये एन से भाई मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका ई, तो ये आपका आ गया तुल्य विद्युत वाहक बल। अब बात करते हैं आंतरिक प्रतिरोध की,
तो आर नॉट बराबर आर प्लस में आर प्लस में आर प्लस में आर, तो ये आर नॉट आपका निकल कर आ जाएगा एन आर, ये आपका तुल्य विद्युत वाहक बल आ जाएगा। तो ये थी भाई आपके श्रेणी क्रम संयोजन सेलों का जो समाप्त हुआ। कल हम पढ़ने वाले हैं समांतर क्रम संयोजन सेलों का, जो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो पॉइंट वन और पॉइंट टू से बनेगा, या फिर अदरवाइज आपको डेरिवेशन का एक बड़ा सा क्वेश्चन 3 से 4 नंबर का आपको देखने को मिलेगा। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, क्लास से आपको कैसा लग रहा है, आप सभी हमें कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि आपका हर एक कमेंट हमें क्या है भाई, मोटिवेशनल देता है, जिससे हम आपके लिए और बेहतर बेहतर कॉन्टेंट लाते हैं। तो मिलते हैं और एक बेहतर वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय झारखंड।